हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम जिस एनिमल के बारे में बात करेंगे वो एक बहुत छोटा सा स्लग है जो कि ओपन ओशियंस ओपन सी में पाया जाता है और उसका नाम है ग्लॉकस एटलांटिकस। इसका कॉमन नेम है ब्लू ड्रैगन सी स्लग। ब्लू ड्रैगन सी दरअसल ब्लू ओशन में पाया जाता है। ये न्यूडीब्रांक्स की एक टाइप है। न्यूडीब्रांक्स देखा जाए तो एक शेल लेस गैस्ट्रोपोड होता है। हम इस ब्लू सी स्लग की बात करें तो ये हमेशा पानी की सरफेस पर जो है फ्लोट करता है। इसका लाइफ स्पैन तकरीबन 1 month to 1 year हो सकता है। इस सी स्लग की जो ब्लू सरफेस है वो हमेशा अपवर्ड होती है और सिल्वर ग्रे कलर जो होता है वो इस स्लग का हमेशा डाउनवर्ड होता है। इसका इनको बेनिफिट ये होता है कि जब ये पानी की सरफेस पर फ्लोट करते हैं तो इनके ब्लू कलर की वजह से ब्लू ओशन में ये इतने ख़ास नज़र नहीं आते। इसी तरह से जो इनकी बॉडी का सिल्वर ग्रे पार्ट होता है डाउनवर्ड, उससे भी ये अपने प्रेडेटर से बच सकते हैं। इसके बाद इनके रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, जिसका मतलब ये है कि इसमें मेल और फीमेल दोनों ऑर्गन्स होते हैं और इस तरह से इनका मेटिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है और ये 20 eggs ले करते हैं। इसके बाद हम इनकी फीड की बात करते हैं कि ये क्या खाते हैं। तो ये पुर्तगीज मैन ऑफ वॉर और साइफोनोफोर खाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके स्टिंग की। तो ये स्लग बिल्कुल वेनमस नहीं होता, बल्कि जितने भी इसके प्रीडेटर्स होते हैं ये उन तमाम का स्टिंग जो है वो अपने अंदर जो है वो स्टोर कर लेता है और अपने प्रेज के ख़िलाफ़ जो इसका अपना शिकार है उसके ख़िलाफ़ उनको इस्तेमाल करता है। अब हम देखते हैं कि अगर किसी इंसान को इसका स्टिंग लगे तो उस पर क्या क्या सिम्टम्स ज़ाहिर होते हैं। तो एलर्जी है, पेन, वॉमिटिंग, दाने बन जाते हैं स्किन पर, पिगमेंटेशन हो जाती है, ये सब सिम्टम्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।